सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन है वो सरल करेंगे। पीछे की वीडियो में मैंने आपको 2.3 जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता दिए हैं। प्रश्नावली 2.4 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक है, इसमें हमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस एक है, यानी जो x प्लस एक है वो इनमें जो चार हमें बहुपद दिए गए हैं इनमें से किसका गुणनखंड है x प्लस एक, ये हमें बताना है। तो इस चीज की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। यहाँ पर हमें ये जांच करनी है कि x प्लस एक है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस जो एक हमें दिया गया है तो हम लिखेंगे x प्लस एक बराबर जीरो लिखेंगे, और जो एक है उसको दूसरी साइड में लेके आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में एक, यानी x का मान आ गया माइनस एक। एक्स का जो मान है माइनस एक उसको हमें इस बहुपद के अंदर रखना है, जहां पर x है उसको निकाल देंगे और x की जगह माइनस एक है वो रखेंगे और बाकी संख्या को सेम रखेंगे। तो इसमें देखिए x की जगह माइनस एक लिखना है, यहां पर हम लिखेंगे माइनस एक तो इसका क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में यहां पर एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस एक स्क्वायर लिख देंगे, प्लस एक्स की जगह माइनस एक हो जाएगा और प्लस एक। अब इसको अगर हम सरल करेंगे और सरल करने पर इसका जो बहुपद का जो मान है वो अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब एक्स प्लस जो एक है जो यहां पर हमें दिया गया है ये इसका गुणनखंड होगा। अगर इसका आंसर जीरो नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां पर चलिए सरल करते हैं, माइनस एक का क्यूब क्या होगा, माइनस एक, यहां पर माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक तो ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा तो प्लस एक हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा और ये प्लस एक। देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो आंसर आ गया इसका जीरो, जीरो उत्तर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस एक बहुपद जो है हमारा उसका गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे कि एक्स प्लस एक बहुपद जो हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक का गुणनखंड है, क्योंकि एक्स का मान माइनस एक रखने पे इसका मान जीरो आता है बहुपद का, तो गुणनखंड है, ये लिख देंगे। अब देखिए इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर इसका दो है उसको भी हमें सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर दो में भी हमें बहुपद दिया गया है x की घात चार प्लस में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक। हमें जांच करनी है कि x प्लस एक है वो इसका बहुपद है या नहीं। तो चलिए हमें दिया गया है x प्लस एक बराबर जीरो लिखना है, तो x का मान क्या आ गया, माइनस एक। ये x का जो मान है यहाँ पर भी माइनस एक आएगा, यहाँ पर भी माइनस एक आया था तो माइनस एक x की जगह रखना है, x को बाहर निकाल के फेंक देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस में एक, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस एक इसकी घात चार, फिर प्लस एक्स की जगह माइनस एक ये क्यूब हो जाएगा इसका, प्लस माइनस एक का स्क्वायर यहाँ पर माइनस में वन और प्लस वन इसका। देखिए माइनस एक की घात चार का अगर माइनस का स्क्वायर होगा माइनस एक का तो भी यहाँ पर प्लस ही आएगा, और इसकी घात चार होगी तो भी आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी माइनस में कोई संख्या है और उसकी घात सम संख्या में है तो वहां पर प्लस आएगा, अगर विषम संख्या में होगी तो माइनस आएगा। तो माइनस एक की घात चार का मतलब होगा एक, और यहाँ पर देखिए माइनस एक का क्यूब करेंगे तो माइनस एक आएगा, माइनस एक यहाँ पर है तो प्लस से गुणा होकर माइनस ही बन जाएगा, माइनस एक आ जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर प्लस में एक और तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक, प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा और ये प्लस एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस तो पीछे क्या रह गया, आंसर में प्लस एक उत्तर आ गया, प्लस एक नहीं लिखेंगे तो एक लिख देंगे। अब एक आंसर आ गया इसका मतलब इसका जो उत्तर है बहुपद का वो जीरो नहीं आया। जीरो अगर नहीं आता है तो हम ये लिखेंगे कि जो x प्लस एक जो हमें दिया गया है वह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। चलिए इसके बाद में इसका थ्री नंबर, इसमें भी इसी तरह से चेक करना है, x का मान वही माइनस एक ही रहेगा, इसमें हम x किसका माइनस एक रखेंगे और इसको सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं तो इसका थ्री नंबर हो गया,
इसमें हमें दिया गया है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। तो x प्लस 1 बराबर हम 0 लिख लेंगे जो हमें गुणनखंड दिया गया है। तो यहाँ से x का मान माइनस में 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 इस बहुपद में रखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो माइनस 1 रखेंगे माइनस 1 की घात 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 माइनस 1 क्यूब प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। सरल करेंगे तो माइनस 1 की घात 4 का मतलब होता है 1, और माइनस 1 का क्यूब माइनस, उसको प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 रहेगा, और यहाँ पर यह हो गया माइनस में 1 और प्लस 1। तो इसका भी आंसर देखिए, यह यहाँ पर माइनस और प्लस ये कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस ये, पीछे आंसर आएगा 1, यानी कि इसका 0 नहीं आता है। इसका मतलब जो x प्लस 1 है वो बहुपद, जो हमें दिया गया बहुपद कौन सा है, x की घात 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। यानी गुणनखंड तब होता है जब आंसर क्या आएगा, 0 आता है, तो गुणनखंड नहीं है, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद में देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया गया है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में अंडर रूट 2 और गुणा में x प्लस में अंडर रूट 2। तो गुणनखंड चेक करने हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस में 1, माइनस 1 वो इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर x इसकी जगह रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस x की जगह रखना है माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2, और x की जगह रखना है माइनस में 1 प्लस में रूट 2। सरल करेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में, लेकिन बाहर माइनस होती है माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर इनको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये माइनस है और ये माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा। 2 प्लस रूट 2 को 1 से गुणा किया तो ये 2 प्लस 2 रूट ही आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2, और यहाँ पर है प्लस में रूट 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे और ये प्लस 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 ये आ जाएगा हमारे पास में, तो दो बार है तो इसका आंसर होगा 2 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, 0 नहीं आया, यानी कि आंसर है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि x प्लस 1 जो है, जो हमें दिया गया है x प्लस 1 बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस में 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणा में x प्लस अंडर रूट 2 का गुणनखंड नहीं है, ये इसका कारण लिख देंगे। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये हो गया हमारे पास में पी एक्स, यानी पी एक्स बराबर जो हमें दिया गया है बहुपद, और जी एक्स बराबर एक्स प्लस एक दिया गया। तो हमें ये बताना है कि जो x प्लस 1 यानी जो जी एक्स है x प्लस 1 वह पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरह से यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और यहाँ पर x में यहाँ पर जो बहुपद है उसमें x की जगह रखना है आपको। तो सिंपल है, देखिए पहला क्वेश्चन पी एक्स दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस 1, और जी एक्स जो है चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जी एक्स, जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 जो है इसके बराबर हम 0 लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बराबर अगर 0 लिखें तो एक्स का मान क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया, ये हो गया एक्स का मान। अब हम लिखेंगे कि एक्स बराबर माइनस 1 पी एक्स में रखने पर, माइनस 1 पी एक्स में रखने पर, तो px जो हमारा ये दिया गया है इसमें हमें
x की जगह माइनस वन रखना है तो इसमें पूरे में हम रखेंगे, यहाँ पर पी एक्स है तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस में वन रखेंगे और यहाँ पर p आ जाएगा तो पी एक्स हो गया बराबर दो माइनस में वन का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर है प्लस में एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह माइनस वन और उसका स्क्वायर माइनस में दो एक्स की जगह माइनस वन और माइनस वन। सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस एक का क्यूब माइनस में होगा तो पहले माइनस लगा देंगे फिर एक को दो से गुणा किया तो दो आ जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक होगा और प्लस एक को प्लस से गुणा किया तो प्लस में वन रहेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस दो को एक से गुणा करेंगे दो और माइनस एक, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, आंसर क्या आया जीरो। इसका मतलब आंसर का जीरो आता है तो यहाँ पर जो हमें जी एक्स दिया गया था एक्स प्लस एक ये पी एक्स का गुणनखंड है तो हम लिख देंगे कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है क्योंकि यहाँ पर सरल करने पर जीरो आता है। चलिए इसी तरह से दूसरे जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें यही प्रोसेस है वो इसमें लगाएंगे और ये देखेंगे कि जी एक्स जो है एक्स प्लस दो ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका पी एक्स हमें जो दिया गया है वो है एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन और जी एक्स जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स प्लस दो तो जी एक्स बराबर हम जीरो लिखेंगे यानी कि इसके बराबर जीरो लिख लेंगे तो एक्स प्लस दो बराबर क्या लिखा जीरो तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में दो। एक्स का जो मान है वो हम क्या रखेंगे पी एक्स में रखने पर तो देखिए पी एक्स में रखेंगे तो पी एक्स हमारा ये है तो पी की जगह पी एक्स की जगह आपको माइनस दो लिखना जहां पर भी एक्स है वहां पर माइनस दो तो एक्स को निकाल देंगे और उसकी जगह माइनस दो रख देंगे तो ये हो गया माइनस में दो बराबर यहाँ पर माइनस दो लिखेंगे उसका क्यूब लिख देंगे आगे भी थ्री है और यहाँ पर माइनस दो का स्क्वायर प्लस में थ्री गुणा माइनस दो और प्लस में वन तो यहाँ से हम सरल करेंगे माइनस का क्यूब है ये तो माइनस ही रहेगा दो का क्यूब आठ और माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया दो का स्क्वायर चार हो गया चार को तीन से गुणा किया तो प्लस में बारह आ जाएंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तीन दूनी छः हो जाएंगे और प्लस में एक हो जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है बारह प्लस में एक ये हो गए तेरह तेरह हो गए प्लस में और माइनस में आठ हो छः चौदह तो देखिए एक संख्या प्लस की माइनस की है तो आंसर क्या आया आंसर आया माइनस में एक माइनस एक आया यानी कि जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ जो एक्स जी एक्स दिया गया है एक्स प्लस दो है वो क्या है इसका गुणनखंड नहीं है तो हम लिख देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है ये लिख देंगे। इसी तरह से इसका जो थ्री नंबर है उसको हम सरल करेंगे थ्री नंबर भी पी एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस में चार एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में छः जी एक्स हमें दिया गया है एक्स माइनस तीन तो जी एक्स बराबर क्या लिखना है जीरो तो एक्स माइनस थ्री बराबर अगर हमने जीरो लिखा तो एक्स का मान आ गया प्लस में थ्री एक्स बराबर थ्री पी एक्स यानी कि जो बहुपद है उसमें रखने पर या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर थ्री बहुपद में रखने पर या पी एक्स में रखने पर तो यहाँ पर हम पी एक्स जो बहुपद है उसमें रखेंगे यहाँ पर पी की जगह पी और एक्स की जगह लिखना है थ्री इसी तरह से आगे भी थ्री लिखेंगे और क्यूब लिख देंगे माइनस में चार थ्री का स्क्वायर प्लस में थ्री और प्लस में छः तो इसको सरल कर लेंगे तीन का क्यूब होता है सत्ताईस यानी तीन इंटू तीन तीन का स्क्वायर नौ और नौ को चार से गुणा किया तो नौ चौक छत्तीस हो जाएंगे और प्लस में थ्री प्लस में छः माइनस में की संख्या है छत्तीस सत्ताईस प्लस तीन तीस और छः छत्तीस देखिए प्लस में 36 माइनस में 36 कट जाएंगे तो उत्तर आ गया जीरो। अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है तो हम लिख देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है
तो इस तरह से आपको ये बताना है, प्रत्येक अलग अलग दिए गए हमें जीएक्स और उन सभी जीएक्स को ये बताना है कि इसके गुणनखंड है या नहीं। अगर जीरो आता है तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से ये तीन क्वेश्चन आपको सरल करने हैं इसमें। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर दो। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है और एक्स माइनस एक जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि जो हमें ये पी एक्स सभी दिए गए हैं इनके सभी का x माइनस एक गुणनखंड, यानी यहाँ से अगर हम x का मान निकालें, इसके बराबर जीरो रखेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, अगर वो x का मान इन चार हम क्वेश्चन में रखते हैं तो इनका आंसर है वो जीरो आएगा ही आएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, k का मान हम ज्ञात करेंगे तो पहले जो हमें ये दिया गया है उसके बराबर पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के। यहाँ पर है एक्स माइनस एक, इसके अगर बराबर हम जीरो लिखते हैं तो एक्स का मान आता है प्लस में एक। एक्स का मान पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर, और पी एक्स में रखेंगे तो इसके बराबर जो बहुपद, इसके बराबर हम जीरो लिख लें क्योंकि हमें ज्ञात करना है के का मान। तो देखिए किसी भी चीज़ का जब मान हमें ज्ञात करना हो तो उसके बराबर में हमें जीरो लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर x का मान ज्ञात करना है तो इसके बराबर में हमने जीरो लिखा, फिर x का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पर भी इसी तरह से इसके बराबर हम जीरो लिख लेंगे। तो ये जो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इज इक्वल टू जीरो। एक्स का मान क्या रखना है, माइनस में ए सॉरी प्लस में एक रखना है। x बराबर एक है, x की जगह रखेंगे तो यहाँ पर एक का स्क्वायर फिर आ जाएगा एक, फिर k आ जाएगा बराबर जीरो। एक का स्क्वायर एक प्लस एक प्लस के इज इक्वल टू जीरो। वन प्लस वन कितने हो गए, टू, टू प्लस के बराबर जीरो। ये दो इस दूसरी साइड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में दो हो जाएगा। तो के बराबर ये इधर आ जाएगा तो माइनस में दो, ये आ जाएगा के का मान। तो इस तरह से आपको के का मान है वो ही ज्ञात करना है। सेकंड देखिए यहाँ पर दिया गया हमें पी एक्स, तो पी एक्स बराबर दिया गया है दो एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस रूट दो, और जो गुणनखंड है x माइनस एक उसके बराबर हम जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा एक। x का मान एक हम यहाँ पर रखेंगे तो इसके बराबर हम जीरो लिख लेंगे। तो ये हमें दिया गया है दो एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में रूट दो इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर भी x है उसकी जगह एक लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा दो एक का स्क्वायर फिर k आ जाएगा वन आ जाएगा प्लस में रूट दो इज इक्वल टू जीरो। एक का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रहता तो हम यहाँ पर आ जाएगा दो, यहाँ पर के आ जाएगा और प्लस में रूट दो इज इक्वल टू जीरो। देखिए रूट दो को इस साइड में भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, दो को इस साइड में भेजेंगे वो भी माइनस में हो जाएगा। तो इनको हम इस तरह से करेंगे कि ये हो गया के बराबर, इसको हम इस साइड में भेजेंगे। चलिए दो को पहले भेजते हैं तो क्या हो गया, माइनस में दो। रूट को भेजेंगे तो माइनस में रूट दो। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो के बराबर माइनस को हमने लिया कॉमन तो दो प्लस हो, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद में और रूट दो, ये आ जाएगा के का मान। तो इस तरह से आपको ये के का मान है वो ज्ञात करना है। इसके बाद में देखिए इसका जो थ्री नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पी एक्स जो दिया गया है वो दिया गया है, ये दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट दो एक्स प्लस एक, और गुणनखंड हमारा x माइनस एक है तो हमने लिखा x माइनस एक बराबर जीरो लिख देंगे। तो x का मान यहाँ से एक आ जाएगा, x का मान एक है वो बहुपद में रखेंगे तो बहुपद हमारा हो जाएगा k, और x की जगह लिखना है वन तो ये हो गया वन का स्क्वायर माइनस रूट दो। x की जगह लिखेंगे वन तो गुणा में लिख देंगे और प्लस वन इज इक्वल टू में जीरो लिख लेंगे। अब इसमें एक का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है तो ये k आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस में रूट दो रह जाएगा प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस में रूट दो है दूसरे साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर के को रखेंगे सिर्फ, ये इस साइड में आएगा तो प्लस में रूट दो, और प्लस वन है ये भी इस साइड में आएगा तो माइनस में वन, तो के का मान ये आ जाएगा रूट दो माइनस एक। इसी तरह से इसका जो चार नंबर है उसमें भी हमें पी एक्स दिया गया है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में के, बराबर में हम जीरो लिख लेंगे इसके। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है हमारा x माइनस एक, इसके बराबर जीरो लिखेंगे तो x का मान क्या आ गया, प्लस में वन। x का मान हम बहुपद में रखेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास में के और एक्स की जगह एक लिखा, स्क्वायर लगा देंगे माइनस में थ्री, यहाँ पर भी वन आ जाएगा, प्लस में के इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा के, क्योंकि एक का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर तीन को एक से गुणा किया तीन ही आएगा, तो माइनस में थ्री आ गया और प्लस में आ गया के इज इक्वल टू जीरो। के प्लस के यानी दोनों ही के है वो प्लस में है, तो कितने के हो गए, दो के, के प्लस के होता है दो के, और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस में तीन है इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हो गया दो के बराबर प्लस में थ्री, ये दो इसके गुणा में है तो भाग में नीचे आ जाएगा बट्टे में, तो के बराबर तीन बटे दो, ये आ जाएगा के का मान। तो इस तरह से आपको जो k का मान है वो इसमें ज्ञात करना है, और जो गुणनखंड है वो हमें इसमें दिया गया है, तो गुणनखंड से हम x का मान निकालेंगे और उसके बाद में बहुपद में रखेंगे और k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड तो सिंपल है, आप सभी को भी आता होगा। तो देखिए गुणनखंड में क्या है कि यहाँ पर जो ये गुणनखंड है वो कुछ इस तरह का है कि पहले हमें एक्स स्क्वायर की कोई संख्या मिलेगी या सिंगल एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद में कोई एक्स की संख्या मिलेगी, और तीसरी सिर्फ ओनली संख्या। इस तरह का अगर हमारे पास में कोई गुणनखंड आता है तो उसका हमारे पास में एक तरीका है कि बीच वाली जो संख्या है उसका हम टुकड़े करते हैं, यानी उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों क्वेश्चन ऐसे ही है, पहले एक्स स्क्वायर का पद है, फिर एक्स का है, फिर संख्या है, यहाँ पर भी इसी है, एक्स स्क्वायर एक्स और संख्या, एक्स स्क्वायर एक्स संख्या। तो इस तरह का कोई गुणनखंड आता है तो उसका क्या तरीका है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हमें दिया गया है 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1। अब इसका एक तरीका है, इसका तरीका है कि एक्स स्क्वायर के पास में जो भी संख्या होगी और एक अकेली जो संख्या होगी उन दोनों का गुणा, क्या फिर से सुनना इस चीज को, एक्स स्क्वायर के पास में जो संख्या होगी और लास्ट की जो संख्या अकेली सिंगल संख्या जिसके पास में एक्स वाई कुछ नहीं होता, उन दोनों का गुणा, हम उन दोनों का गुणा करेंगे, तो 12 को 1 से गुणा किया क्या आया 12 आया, ये आ गया 12। और यहां पर जो चिन्ह है प्लस का, उसका प्लस हो या माइनस का मतलब होता है घटाना, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, आप सभी को सिंपल बात है ये, तो प्लस अगर चिन्ह है तो उसका मतलब जोड़ने पर 7 आने चाहिए, यानी हमारे पास में ऐसी दो संख्या है कि गुणा करे तो 12 आ जाए और जोड़ते हैं तो 7 आ जाए। तो ऐसे संख्या देखिए वो होगी 4 और 3, 4 में अगर 3 को जोड़ा जाए तो 7 आता है और 4 को 3 से गुणा किया जाए तो 12 आता है। तो ये आपको इस तरह से आपको इसको चेक करना है पहले, यानी कि बाहर वाली संख्या का गुणा और बीच वाली संख्या को जोड़ना या घटाना, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए वो संख्या कौन सी होगी, 4 और 3, जो बीच की संख्या है माइनस में 7x, उसकी जगह हमें 4 और 3 लिखना है, लेकिन साथ में x भी लगाना है क्योंकि बीच वाली संख्या के पास में क्या है x, तो हमने टुकड़े किसके किए, बीच वाली संख्या के टुकड़े किए दो, 7 को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया 4x, एक हो गया 3x। अब ये 7x जो है वो माइनस में, इसका मतलब इसको भी माइनस करना पड़ेगा और इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो 4x माइनस में 4x माइनस में 3x दोनों को प्लस जोड़ेंगे तो क्या होंगे, माइनस में 7x, तो इसकी जगह लिख देंगे, बाकी को सेम रखेंगे, तो ये अपनी जगह आएगी, ये अपनी जगह आएगी, बीच वाली की जगह ये दोनों संख्या लिखेंगे, तो 12 ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस में 4x। देखिए बड़ी संख्या को आगे लिखना है आपको, जैसे 4 है यहाँ पर तो हमने आगे लिखा, 3 को बाद में लिखा, तो 4x माइनस में 3x और प्लस में 1, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, बीच वाली के टुकड़े हमने कर दिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो इनमें से हम कॉमन लेंगे तो दोनों में से कॉमन 4 आ सकता है, क्योंकि 4 का भाग 12 में भी जाता है और 4 में भी जाता है, दोनों तरफ x है तो x भी कॉमन आ सकता है, तो 12 में 4 का भाग 3 बार गया, एक्स स्क्वायर में x का भाग x बार चला जाएगा, फिर माइनस 4x को हमने, देखिए 4x में 4x का भाग दे दिया, क्या आया 1 आ गया माइनस। यहां पर देखिए दोनों तरफ कोई चीज कॉमन नहीं आती, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 को कॉमन लिया जाए तो यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं है कि हम 3 कॉमन ले लें, यहां पर x है तो यहां पर x नहीं, तो अगर कॉमन कुछ ना आए तो हम 1 मान लेंगे, और जो यहां पर है 3x और प्लस 1, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस का चिन्ह है, हमारा चिन्ह यहां पर क्या है माइनस, तो अंदर वाला चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 1।
ध्यान रखना है दोनों जो ब्रैकेट की संख्या होती है वो सेम आनी चाहिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो ए की ब्रैकेट लिखेंगे 3x-1 और दूसरा क्या लिखेंगे 4x-1, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 4x-1, तो ये हो गया गुणनखंड। तो ये इसका आंसर है, यानी इस तरह से आपको सभी गुणनखंड है वो करने। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करें दो नंबर की, दो नंबर में हमें दिया गया है कि 2x² + 7x + 3। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में 2 है और लास्ट जो संख्या है वो 3 है, तो 3 और 2 को अगर गुणा कर दूँ तो कितना है 6 आया। गुणा करने पर 6 आया और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर आना चाहिए 7। ध्यान रखना है आपको गुण ऐसी संख्या दो संख्या बतानी है कि जिनको गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो देखिए संख्या कौन सी होगी 6 और 1। 6 को 1 से अगर गुणा किया जाए तो 6 ही आता है और 6 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 7 होता है। सिंपल है, बीच वाली संख्या की जगह 2 टुकड़े कर देंगे 6 और 1 में और बाकी संख्या अपनी जगह है। तो 2x², तो यहाँ पर 2 की जगह आ गया 2 और x² की जगह x² और इसके जो हमने टुकड़े किए वो लिख देंगे 6 और 1। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 6x और 1x को x ही लिख देंगे तो प्लस में x, क्योंकि दोनों ही प्लस में आएंगे तभी ये प्लस में 7x होंगे और प्लस में 3। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है तो यहाँ से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं और x को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस, यहाँ पर 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा और x में x का भाग दिया तो 1 आया, तो x प्लस 3 ही हो गया। यहाँ पर अगर कॉमन नहीं आता तो 1 ले लेंगे और x प्लस 3, यानी ब्रैकेट की जो संख्या होती है वो दोनों बराबर आनी चाहिए। तो एक तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखना है और उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, 2x + 1, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे इनके। चलिए इसके बाद में देखिए इसका तीसरा, अब देखिए इसका 3 नंबर, इसमें हमें दिया गया 6x² + 5x - 6। इसका अगर गुणनखंड करना है तो ये देखेंगे जो x, यहाँ पर एक संख्या है 6 और यहाँ पर संख्या है 6, दोनों को गुणा किया जाए तो आता है 36, तो यानी गुणा करने पर 36 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 5 आना चाहिए। ऐसी संख्या देखनी है कि जिनको गुणा किया जाए तो 36 आ जाए, दो संख्याएं, और उन्हीं दो संख्याओं को अगर माइनस किया जाए तो 5 आ जाए, तो वो होगी 9 और 4। 9 चौक 36 होते हैं, गुणा करने पर 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आता है। अब जो 5 है वो प्लस में है तो इसको हम प्लस में करेंगे और इसको हम माइनस में करेंगे तभी हमारे पास में घटाने पर प्लस में 5 आएंगे। तो दोनों के पास में x लगा देंगे तो इसको सेम रखेंगे, ये आ जाएगा 6x² और यहाँ पर प्लस में 9 है तो 9x आएगा और माइनस में 4x और माइनस में ये 6 आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन लेना है आपको, कॉमन यहाँ से 3 भी आ सकता है और x भी आ सकता है, तो 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया, x² में x का भाग दिया x आ गया, प्लस 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, x में x का भाग दिया 1 आया तो उसको नहीं लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर दोनों तरफ में 2 कॉमन आ सकता है तो 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, x अपनी जगह और बाहर चिन्ह माइनस का तो अंदर वाला चिन्ह जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया। दोनों ब्रैकेट में सेम है तो 1 ही लिखना है, 2x + 3 और दूसरा 3x - 2, तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर देखिए इसका, इसमें हमें दिया गया 3x² - x - 4। तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, 3 और 4 को गुणा किया तो 12 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस करने पे x है, इसके पास में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 हो सकते हैं, 4 3 को गुणा किया तो 12 आया और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आया। तो यहाँ पर ये हमारा जो नियम है वो काम करता है, इसका मतलब x जो है वो माइनस में आएगा तो 4 को हम माइनस में लेंगे 3 को प्लस में लेंगे, ये अपनी जगह आ जाएगा 3x² और यहाँ पर जो x है इसको हटा देंगे और इसकी जगह दोनों संख्या लिखेंगे, यानी इसके दो टुकड़े करके लिखेंगे, तो माइनस में 4x प्लस में 3x और लास्ट वाली संख्या -4 उसको सेम ही रखेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन हमारे पास में आ जाएगा, x कॉमन आ सकता है तो पीछे रह जाएगा 3x - 4 और यहाँ पर कॉमन है वो कुछ भी नहीं आता तो हम कॉमन 1 ले लेंगे,
तो 3x-4, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखना है 3x-4 और दूसरा x+1 लिखेंगे, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करने हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिए। चलिए इसके बाद में इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें गुणनखंड करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी थे हमें गुणनखंड ही किए थे। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि वहां पर पहले जो पहला जो पद है वो एक्स स्क्वायर का था, बीच में एक्स का पद था और तीसरी लास्ट संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक पद एक्स्ट्रा है जो एक्स क्यूब का है। तो एक्स क्यूब का इस तरह से पद आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड का तरीका उसका थोड़ा सा अलग है इससे क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, x³ - 2x² - x+2, ये हमारा जो बहुपद है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखना है कि x की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिससे x की जगह लिखने पर इस बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाए। तो वो संख्या हम ट्राई करेंगे। तो आप ट्राई कैसे करेंगे, देखिए ट्राई करने का तरीका ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी संख्या रखें। तो आप देखिए यहां पर आया 2, ये 2 है, तो आपको क्या करना है कि ये 2, अब देखिए 2 किसके पाड़े में आता है, या तो 1 के पाड़े में 2 आ सकता है, 1 के पाड़े में सभी संख्याएं आती है, 1 के पाड़े में 2 आ सकता है, या 2 है वो खुद 2 के पाड़े में आ सकता है। तो इनको आपको प्लस माइनस में लेना है, एक बार इसको प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस में लेना है। प्लस माइनस का मतलब यह हुआ कि हम एक बार 1 है उसको प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रख के देखेंगे, इसी तरह से 2 को एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रख के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस 1 रखेंगे इसमें, तो ये आपका एक रफ काम हो जाएगा, ये आपका रफ काम है, और आपको संख्या रख के भी देखनी है वो भी एक रफ काम है। तो देखिए आप इस तरह से इसको रख के देख सकते हो। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो बहुपद है पहले उसमें प्लस 1 रख के देखेंगे, यहाँ पर देखिए सभी जगह 1 रख के देखते हैं, तो x किस जगह 1 रखना है, जहां पर भी x है, तो 1 लिखा, उसका ये क्यूब हो गया, फिर माइनस 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो गुणा में 1 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह x किस जगह 1 और प्लस 2। अब ये देखेंगे इसका मान 0 होता है क्या नहीं, तो ये 1 आ जाएगा, ये माइनस में 2, माइनस 1, प्लस 2, प्लस 2, माइनस 2, माइनस 2, सॉरी माइनस 1 और प्लस 1, इसका उत्तर कितना था 0, यानी हमने क्या रखा 1 रखा, x का मान 1 रखा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि x का जो मान हमने 1 रखा, तो इसको हम क्या लेंगे, x बराबर हमने 1 रखा, तो इसको हम x अगर 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये जो बनेगा वो इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, जो हमारा बहुपद है इसका एक गुणनखंड है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, चलिए 1 रखेंगे और इसका मान 0 आ जाएगा, ये हमने रफ काम करके देख लिया। तो यहां पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब और माइनस, फिर से आपको रखना है इसमें और सिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप उसको सरल भी करना है। तो यहां पर 2 है और x किस का 1 रखा, स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, यहां पर x किस का 1 और प्लस 2, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, उसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2, माइनस 1 आ जाएगा प्लस में 2, यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो उत्तर आ गया 0। तो हमने क्या लिखा, x बराबर 1 लिखा, x बराबर 1, या 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बन गया, x माइनस 1, x माइनस 1 है वो बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब ये एक गुणनखंड है इसका, तो अब क्या करेंगे, x माइनस 1 जो हमारे पास में आया है उसका इसमें भाग देंगे भाग विधि से। तो अब भाग विधि से भाग देंगे, तो देखिए हमारे पास में भाग किसका देना है, x माइनस 1 का, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, बीच में लिखना है बहुपद, तो x क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x और प्लस में 2, भाग देंगे तो x का x क्यूब में भाग देना है, तो x क्यूब में अगर x का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक घात से यहां पर एक घात कम हो जाएगी तो x स्क्वायर पर भाग चला जाता है, x स्क्वायर को x से गुणा वापस करेंगे तो x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस x से गुणा किया तो माइनस में x स्क्वायर,
उसके बाद में चिन्ह चेंज करना है, एक्स क्यू यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसको माइनस करना है, ये माइनस है तो प्लस करेंगे। अब ये प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, दो एक्स स्क्वायर ये माइनस में और एक्स स्क्वायर ये प्लस में, तो क्या रहेगा माइनस में एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और आगे वाली जो संख्या है माइनस में एक्स और प्लस में दो, उसे ऐसा कैसा लिख देंगे, एक्स का भाग माइनस एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक घात कम हो जाएगी, लेकिन माइनस है तो माइनस एक्स बार भाग चला जाएगा। माइनस एक्स को इससे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स को गुणा किया तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुणा किया तो प्लस में एक्स हो गया। चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस होगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस है तो इसको माइनस किया तो माइनस ये माइनस ये माइनस में दो एक्स हो गए, माइनस एक्स माइनस दो एक्स और प्लस में दो। अब देखिए एक्स का भाग माइनस दो एक्स में देंगे तो एक्स तो कट जाएगा, माइनस दो बार भाग चला गया, माइनस दो को एक्स से गुणा किया माइनस दो एक्स, माइनस दो को माइनस एक से गुणा किया प्लस दो। चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, आंसर जीरो। जो हमारा भागफल आया है वो क्या है, तो हमारा जो भागफल है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। अब देखिए जो भागफल है इसका हम गुणनखंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर चार में किया था। तो इसका गुणनखंड करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी संख्या नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो यहां पर है दो, यानी गुणा करने पर दो आए और माइनस करने पर एक आए, ऐसी संख्या कौन सी होगी, दो, दो और एक ही होगी। दो को अगर एक से गुणा किया तो दो आया और दो में से एक को माइनस किया तो एक आया, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस हमारा जो एक है वो माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में हम दो एक्स लिखेंगे और प्लस में एक एक्स लिखेंगे और माइनस दो, यहां पर कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आएगा एक्स, तो एक्स माइनस दो रह गया, यहां पर कॉमन नहीं आता है तो प्लस एक ले लेंगे, तो एक्स माइनस दो ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट वाली संख्या सेम होनी चाहिए तो एक्स माइनस दो लिख लेंगे और ये x हो गया प्लस एक, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से दो तो गुणनखंड ये आ गए हमारे, और एक जो बहुपद का गुणनखंड पहले हमने किया था x माइनस एक ये आ गया, तो टोटल x माइनस एक भी यहाँ पर इसके साथ में लिख देंगे, तो ये तीन इसके गुणनखंड हो गए, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद में इसका सेकेंड क्वेश्चन सरल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर एक में किया है वैसे हम सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है बहुपद दिया गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में नौ एक्स माइनस में पाँच, दोनों में हम क्या करेंगे ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे इसका एक्स की जगह ऐसी संख्या रखेंगे कि बहुपद का मान जीरो हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पर क्या है पाँच, पाँच किसके पहाड़ी में आता है, या तो एक के पहाड़ी में आएगा या पाँच के पहाड़ी में आएगा, तो या तो एक के पहाड़ी में आएगा या पाँच के, लेकिन आपको प्लस माइनस में लेना है। प्लस में भी एक बार तो एक को हम प्लस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, इसी तरह से पाँच को एक बार प्लस पाँच रख के देखेंगे एक बार माइनस पाँच रख के देखेंगे, तो ये आपका रफ काम है। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार इसको, चीज़ को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए हमने लिखा प्लस एक, तो एक्स क्यूब की जगह लिखेंगे एक, एक का क्यूब एक और एक का स्क्वायर एक, तो यहाँ पर माइनस में थ्री रह जाएगा, यहाँ पर माइनस में नौ रह जाएगा माइनस पाँच, इसका उत्तर जीरो आता है या नहीं, तो देखिए तीन संख्या माइनस में एक प्लस में तो उत्तर जीरो नहीं आएगा। फिर हम रखे देखेंगे माइनस में एक, तो इसकी जगह हमने लिखा माइनस एक का क्यूब माइनस एक और ये माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस में थ्री रह जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये माइनस में प्लस में नौ हो जाएगा और माइनस में पाँच, तो देखिए पाँच और चार नौ और प्लस नौ ये जीरो हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे माइनस एक, हम लिखेंगे x बराबर माइनस एक रखने पर, तो माइनस एक रखने पर इसका मान जीरो आ जाएगा, ये हमने चेक कर लिया, वो रफ काम किया था। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे कि x बराबर माइनस एक, तो इसकी जगह x की जगह क्या लिखना है माइनस एक, यहाँ पर लिखा माइनस एक का क्यूब माइनस में थ्री माइनस एक का स्क्वायर माइनस नौ माइनस एक और माइनस पाँच, यहाँ पर इसका क्यूब होगा माइनस एक, इसका स्क्वायर एक हो जाएगा, एक को माइनस तीन से गुणा किया माइनस तीन, माइनस माइनस प्लस नौ हो जाएगा और माइनस पाँच, माइनस की संख्या दे माइनस पाँच और माइनस तीन माइनस आठ और ये होगा माइनस नौ, माइनस नौ प्लस नौ दोनों कट जाएंगे जीरो आएगा। हमने एक्स का मान क्या लिया एक्स बराबर माइनस एक, तो एक्स बराबर माइनस एक या माइनस एक को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस, ये हो गया, तो एक्स प्लस एक क्या होगा बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड है,
चलिए अब ये जो गुणनखंड x प्लस एक है इसका हम भाग देंगे, तो x प्लस एक लिखेंगे और अब भाग देंगे, तो बहुपद हमारा लिखेंगे x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर 9x और 5। x का भाग x क्यूब में दिया तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा, x स्क्वायर को x से वापस गुणा करेंगे, x क्यूब x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो प्लस में x स्क्वायर, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये माइनस में 3x स्क्वायर और ये माइनस में 1x स्क्वायर, तो माइनस में कितने हो गए 4x स्क्वायर, और आगे वाली माइनस 9x माइनस 5। एक्स का भाग 4x स्क्वायर में देंगे तो ये माइनस 4x बार जाएगा, क्योंकि माइनस 4x स्क्वायर में x का भाग देना है, तो यहाँ पर x की घात 1 है तो इस 1 से ये 1 कम हो जाएगी, तो पीछे 1 रहेगी, 1 को हम लिखते नहीं है, तो माइनस में 4x आ गया, तो माइनस 4x बार भाग चला गया। माइनस 4x को x से गुणा करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x को 1 से गुणा किया तो माइनस 4x, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो वही संख्या आती है, तो इसके चिन्ह चेंज, ये प्लस हो गया तो ये कट गया, ये प्लस हो गया। माइनस 9x से प्लस 5, 4x को निकाल देंगे तो माइनस में 5x और माइनस 5। अब x का भाग देना है माइनस 5x में, तो x तो कट जाएगा, माइनस 5 बार भाग चला गया, माइनस 5 को x से गुणा किया माइनस 5x, माइनस 5 को 1 से गुणा किया माइनस 5, ये प्लस हो गया तो कट गया, ये माइनस माइनस तो ये भी प्लस हो गया, ये कट गया, उत्तर क्या आया 0। अब जो भागफल हमारा है उसको हम लिखेंगे, भागफल क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा भागफल है, यहाँ पर ये हो गया भागफल, तो भागफल हमने लिख लिया। अब इसके गुणनखंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, तो इसके गुणनखंड देखिए, गुणा करने पर 5 आना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर के पास में कोई संख्या नहीं है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 5, और माइनस करने पर 4 आना चाहिए, माइनस करें तो 4 आना चाहिए, ऐसे संख्या देखने जिनको गुणा करने पर 5 आ जाए और माइनस करने पर 4 आ जाए, तो वो होगी 5 और 1, 5 को 1 से गुणा किया 5 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो बीच वाली संख्या के दो टुकड़े हो गए 5 और 1 वाले, तो हम पहले लिखेंगे x स्क्वायर, बीच वाली संख्या की जगह लिखना है, अब देखिए 4x है वो माइनस में, तो बड़ी संख्या को माइनस में लिखेंगे और छोटी संख्या को प्लस में x लिख देंगे और माइनस 5, इस 1 का मतलब हमें x ही लिखना है, 1x लिखें या x लिखें, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 5, और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता तो 1 ले लेंगे और x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 5 और x प्लस 1, और तीसरा जो गुणनखंड था हमारा यहाँ पर x प्लस 1, इसको भी साथ में लिख देंगे x प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसके गुणनखंड या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इसके बाद देखिए इसका थ्री नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहले हम चेक करेंगे, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा इसका मान 0 कैसे होगा बहुपद का, तो देखिए यहाँ पर लास्ट संख्या क्या है 20, 20 कौन सी संख्या, 1 के पाड़े में 20 आता है, 2 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आएगा और 10 के पाड़े में आएगा या खुद 20 के पाड़े में आएगा, तो 20 तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, हम यहाँ पर देखिए संख्या को प्लस माइनस में रख के देखेंगे, तो 1 को एक बार प्लस में रखेंगे फिर एक बार माइनस में रख के देखेंगे, तो चलिए इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 रखा तो 1 का क्यूब 1, फिर आ गया 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस में ये 13 रह जाएंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे x किसका तो 32 ही रह जाएगा और प्लस में भी सभी संख्या प्लस की है तो सभी संख्या को हम जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, चलिए माइनस 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो प्लस में 13 रह जाएगा और यहाँ पर माइनस में 32 हो जाएगा और ये प्लस में 20, अब इसका देखेंगे, देखिए 20 और 13 33 होते हैं, 32 और 33 यानी माइनस 1 रखने पर इसका मान 0 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 1 लेंगे, तो चलिए इसको देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन, x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर 32x प्लस में 20, x का मान माइनस 1 रखने पर माइनस 1 रखेंगे, इसके जगह माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा फिर प्लस में 13 ब्रैकेट में माइनस 1 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 32 ब्रैकेट में माइनस 1 और प्लस में 20, इसका क्यूब कितना होगा माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 13 ही आ जाएंगे और ये हो जाएगा
माइनस प्लस माइनस 32 को 1 से गुणा किया 32 और प्लस में 20। देखिए 32 और माइनस में माइनस और माइनस ये प्लस जुड़ जाएंगे तो 32 में 1 को जोड़ देंगे तो 33 माइनस में हो गए और 20 और 13 ये प्लस में 33 हो गए। माइनस 33 प्लस 33 इसका आंसर 0 आ गए। 0 कैसे आया? x का मान माइनस 1 रखने पर। अगर माइनस 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बन गया। तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है x प्लस 1 तो x प्लस 1 का भाग देंगे हम इसमें। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 1 और इसका भाग देंगे। भाग देना है हमारा बहुपद जो दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब 13x स्क्वायर, फिर लिखेंगे 32x और 20, इसमें भाग देना है। तो एक्स क्यूब में x का भाग दिया, कितनी बार गया? एक्स स्क्वायर बार, क्योंकि एक घात कम हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से फिर गुणा करेंगे x को तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 को गुणा किया तो एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है एक्स क्यूब वाले के नीचे एक्स क्यूब की संख्या, एक्स स्क्वायर की संख्या के नीचे एक्स स्क्वायर की संख्या। तो ये हो गया माइनस, तो ये कट गया और इसको भी माइनस करेंगे तो 13 में से 13x स्क्वायर में से माइनस में 1x स्क्वायर करेंगे तो 12x स्क्वायर रह जाएगा। प्लस में ये आ गया 32x और प्लस में 20। अब देखिए 12x स्क्वायर में x का भाग दिया तो एक घात और कम हो जाएगी तो 12x बार भाग चला जाएगा। प्लस में 12x है, 12x को x से गुणा किया 12x स्क्वायर, 12x को 1 से गुणा किया ये आ गया 12x। चलिए ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस तो 32 में से 12 को 2 में से 2 ये 0 हो जाएगा, 3 में से 1 को ये 20, तो यहाँ पर कितने आएंगे 20x। 32 में से 12 को माइनस कर दिया तो 20x रह गया और ये कितना है 20 आ जाएगा। अब इसमें हम फिर से x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, पीछे क्या रहा 20 रह गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 बार भाग चला गया। 20 को x से गुणा किया तो आ गया 20x और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस तो ये कट गया, ये भी दोनों प्लस में है लेकिन चिन्ह चेंज करने पर प्लस माइनस हो गए तो ये भी कट गया तो इसका शेषफल 0, भागफल ये आ गया। तो भागफल को हम लिखेंगे, भागफल है वो आ गया एक्स स्क्वायर 12x 20। देखिए गुणा करने पर 20 आना चाहिए, प्लस करने पर 12 आना चाहिए। ऐसे संख्या जिनको गुणा किया जाए तो 20 आता है और जोड़ दिया जाए तो 12 आता है, तो संख्या होगी 10 और 2। 10 को 2 से गुणा करने पर 20 आते हैं, जोड़ने पर 12 आते हैं, तो इनके पास में x लेंगे दोनों के पास में और दोनों ही प्लस की संख्या होगी तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम दोनों ये संख्या लिखेंगे तो प्लस में 10x और प्लस में 2x प्लस में 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां से कॉमन आ जाएगा x, तो ये रह गया x प्लस 10, यहां से कॉमन आ जाएगा 2 तो ये रह जाएगा x प्लस 10। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 और तीसरा जो गुणनखंड है वो x प्लस 1 था हमारा जो पहले ही हमने ज्ञात कर लिया था, तो ये लास्ट में यहां पर लिख देंगे x प्लस 1। सही तरीके से लिखे तो x प्लस 1 पहले, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 10, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये गुणनखंड है वो ज्ञात करने। इसके बाद में लास्ट रहेगा इसका 4 नंबर, चलिए इसको सरल करेंगे। अब देखिए 4 नंबर जो है इसमें, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो है इसमें 0 कैसे होगा, कौन सी संख्या रखने पर 0 होगा। तो y की जगह क्या रखें? देखिए x होगा तो x की जगह रखना है, y है तो y की जगह रखना है, a है तो a की जगह रखेंगे, z है तो z की जगह रखना है। तो y है उसकी जगह क्या रखें? तो ट्राई करेंगे यहाँ पर क्या है 1, 1 किसके पहाड़ी में आता है? 1 के पहाड़ी में आता है, तो यहाँ से देखिए हम ट्राई करेंगे 1 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखा, उसको 2 से गुणा किया ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रखने पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर 1 रखेंगे माइनस 2, यहाँ पर 1 रखेंगे सॉरी यहाँ पर माइनस 1 है, तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 0, तो इसका मतलब प्लस 1 रखने पर 0 आता है। तो चलिए इसको हम, ये रफ काम है हमारा 4 नंबर, बहुपद लिखेंगे 2y³ y² 2y और माइनस 1, हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या आया 2 और 1 का क्यूब, यहां पर आया 1 का स्क्वायर और यहां पर y की जगह 1 माइनस 1,
क्यूब होने का, एक का क्यूब हो स्क्वायर हो कोई मतलब नहीं रहता, तो एक ही आएगा, एक को दो से गुणा किया दो, और यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर दो आ जाएगा गुणा करने पर, और एक ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आंसर आ गया जीरो। तो देखिए एक्स का मान हमने एक रखा, तो एक को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में एक, तो एक्स माइनस एक बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड एक्स माइनस एक का हम इसमें भाग देंगे, तो सॉरी देखिए वाई लिखना है आपको यहां पर, ये वाई हो जाएगा क्योंकि जो बहुपद है उसमें भी वाई है, तो आपको वाई माइनस एक, वाई माइनस एक का भाग देंगे, तो वाई माइनस एक इसका भाग देना है दो वाई क्यूब वाई स्क्वायर दो वाई माइनस एक, वाई का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो की जगह दो आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, भाग देने से कम हो जाती है, तो स्क्वायर दो वाई, इसको वापस गुणा करेंगे तो दो वाई क्यूब ही आएगा, दो वाई स्क्वायर को माइनस एक से गुणा किया तो माइनस एक से गुणा करने पर ये माइनस में हो जाएगा दो वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस होता है तो माइनस होता है चिन्ह चेंज करने पर, तो ये भी प्लस में है दो वाई स्क्वायर और ये एक वाई स्क्वायर, तो तीन वाई स्क्वायर हो गई, और आगे वाला दो वाई माइनस एक, वाई का भाग देंगे तो एक घात और कम हो जाएगी, तो तीन वाई रह जाएगा प्लस में, तीन वाई को वाई से गुणा किया तीन वाई स्क्वायर, तीन वाई को माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस में तीन वाई, ये माइनस कट गया, ये प्लस होगा तो प्लस तीन वाई और माइनस में दो वाई, तो प्लस में वाई और माइनस एक, वाई माइनस एक का वाई माइनस एक में भाग देंगे, यानी एक जैसी संख्या का अगर भाग देते हैं तो उत्तर एक आता है, तो यहाँ पर एक बार भाग चला गया तो वाई माइनस एक, चिन्ह अगर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा माइनस, ये होगा प्लस, कट जाएंगे तो शेषफल जीरो। भागफल क्या आ गया वो लिख लेंगे, जो भागफल हमारा वो आ गया दो वाई स्क्वायर प्लस में तीन वाई प्लस एक। यहां पर ये देखना है कि यहां पर क्या है, इसके देखिए अब यहां पर संख्या है दो, दो को एक से गुणा किया तो दो आया, और यहां पर प्लस का चिन्ह है और यहां पर लिखा हुआ है तीन, यानी कि गुणा करने पर दो आना चाहिए और जोड़ने पर तीन आना चाहिए, तो दो और एक हो जाएगा, दो को एक से गुणा किया दो, दो में एक जोड़ने पर तीन, तो इसकी जगह हम लिखें दो वाई स्क्वायर, और बीच वाली संख्या की जगह दो और एक लिखना है, दो का मतलब दो वाई और एक का मतलब एक वाई लिखें उसको वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई प्लस एक कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन दो भी आ सकता है वाई भी आ सकता है, तो यहां पर क्या रह गया वाई प्लस दो वाई को कॉमन ले लिया तो एक रह गया, यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आती तो प्लस एक कॉमन ले, प्लस तो है ही और एक कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस एक, अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो वाई प्लस एक और दूसरा दो वाई प्लस एक, और तीसरा जो गुणनखंड था वो हमारा वाई माइनस एक था, यहां पर जो हमने वाई माइनस एक लिखा था वो लिख देंगे वाई माइनस एक, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 से, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से इस प्रकार के जो गुणनखंड उनको सरल किया जाता है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।